तो जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। फाइनली आज का दिन यानी 31 गाइस, आज है 31 अक्टूबर यानी दिवाली का दिन। और आज की डेट में काफ़ी कुछ होना है और आज की तैयारियां, हालांकि घरों में काफ़ी दिनों से चल रही, घर की सफाई हो गई, लाइटिंग्स वगैरह लगाना हो गया, दिए लगाना, रंगोली बनाना वगैरह वगैरह। तो अभी कुछ काम पेंडिंग बचे हैं, तो फटाफट इस प्यारे सी म्यूजिक के साथ आइए दिखाते हैं कि आज का ये व्लॉग हमारा कैसा रहता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज है दिवाली का दिन और आज की डेट में हमारे प्रयागराज में ट्रांसपोर्ट नगर एरिया के अंदर में एक गाय थी जो कि हमारे घर के पास में आ गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। तो उसके बाद में भाई ये सब चीज़ देखने के बाद में हम आ गए फटाफट से अपनी गाड़ी वगैरह वॉश करने। और गाइस ये अपनी ब्लैक पैंथर और अभी इसकी धुलाई वगैरह कर दी है, लेकिन अभी ये इतनी अच्छी नहीं लग रही, तो अब जा रहे हैं इसको पॉलिश करने। पॉलिश के बाद ये और भी अच्छी लगने लगेगी, तो फटाफट से वो अपना पॉलिश वाला कंप्लीट करके फिर इसका एक फाइनल लुक लेते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ये बाइक मैंने सेकेंड हैंड परचेज़ करी थी जो कि एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है और ये 200cc सेगमेंट की बाइक है जो कि अपने सेगमेंट की किंग मानी जाती है, मतलब 200cc में काफ़ी बेस्ट बाइक है। फाइनली हमारी बाइक्स जो है वो पूरी तरीके से पॉलिश हो चुकी है और पॉलिश होने के बाद में कुछ ऐसी लग रही है, और पहले में अभी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। पहले शाइनी नहीं थी, अभी शाइनी लग रही है। तो अभी फ़िलहाल इसकी एक राइड मारते हैं, कुछ तो सामान लेकर के आना है, तो सामान लेके आते हैं और इसकी एक राइड भी मारते हैं इसी तरीके से। चलो अब इसको लेके चलते हैं, अब बाकी अपना काम आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस हमारे पार्क में एक गाय है जिसने दोपहर में बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन बच्चा उसका काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है क्योंकि काफ़ी टाइम, मतलब 8 महीने में शायद ये पैदा हुआ है। तो अभी क्या है, ये गाय इसके पास में अगर हम जा रहे हैं तो ये मारना शुरू कर दे रही है। तो नहीं। अभी फ़िलहाल पीछे वाली गली में कुछ लोग रहते हैं जिनके पास में गैया वगैरह हैं, तो चल के उनसे पूछते कि कहीं उनकी गैया तो नहीं है ये। ठीक है, तो फाइनली गाइस शाम का समय हो चुका है और अभी प्रॉपर रेडी हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको घर की अपनी रंगोली वगैरह, क्योंकि ये चीज़ बची रह गई थी। चलो इसको दिखाता हूँ और फिर इस ब्लॉक को कर लीजिएगा। तो रंगोली वगैरह तैयार होने के बाद में हम लग गए अपने घर की पूजा की तैयारियों में। जिसमें कि सबसे पहले हमने भगवान जी की मूर्तियों को अच्छी तरीके से तैयार करके उनकी जगह पे उन्हें स्थापित किया, फिर उसके बाद में हमने शुरू करी अपनी घर वाली पूजा। बाकी दोस्तों इसके बाद में हम पहुंच गए अपनी दुकान पे और हमने फटाफट से करी अपनी दुकान की पूजा, फिर उसके बाद में दुकान में लगाए दिए वगैरह और फिर उसके बाद में करी गाड़ियों की पूजा। फाइनली गाइस हमारी दुकान वाली पूजा हो चुके हैं, घर की भी पूजा हो चुकी है, तो अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ियों की पूजा करने। तो फटाफट से गाड़ी की जब पूजा करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करके आपको दिखाते हैं, और यही तो जो पल होते हैं जो हम इंजॉय करते हैं। तो दिवाली का लाइट्स का त्यौहार है तो ये चीज़ें हम करते हैं। Thank you.
कैसे हो आप सब। आप सभी की दिवाली किस तरीके की बीती, ये लोग आप ये सभी चीज़ें आप कमेंट्स में बताना। बाकी कल वाले ब्लॉग को आज मॉर्निंग में मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई नींद बहुत ज़्यादा लग गई थी उसके बाद में, और सीधा बिस्तर पे गिरे और खाएँ सो गए। तो फिलहाल अभी इस ब्लॉग को एंड करते हैं और आज ही से एक नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। वैसे तो अभी प्रयागराज एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है, आप बाहर निकलोगे आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है प्रयागराज। तो हाँ, दो दिन और यानी आज और कल परिवार वाले दिन और सन्नाटा रहेगा, फिर उसके बाद में जैसे रेगुलर चहल पहल रहती वो सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से एक नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में।